मेरठ में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहे मामलों के बीच मरीजों को उपचार नहीं मिल पा रहा है। आप इस वीडियो को आखिर तक देखें। और मुझे यहाँ पे कोई ज्यादा ट्रीटमेंट सही नहीं दिया जा रहा है और सुबह से केवल मेरी सांस लेने में मुझे इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है, जो भी आता है पल्स रेट चेक करके चला जाता है। मैं कहता हूँ कुछ इंजेक्शन वगैरह मेरे लगा लो, पर कोई नहीं लगा रहा है। यहाँ का स्टाफ स्ट्राइक पे है और जब आम जनता के लिए क्या हुआ, जब मैं एक हेल्थ वर्कर होने के बाद मेरे साथ क्या हो रहा है, आप प्लीज सोचिए। थैंक यू। ये वीडियो लैब टेक्नीशियन अंशुल कुमार का है, जो कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद 15 तारीख को मेडिकल हॉस्पिटल में भर्ती कराए गए और 20 तारीख को इनकी मृत्यु हो गई। अब आप सोचिए, एक स्वास्थ्य लैब के कर्मचारी को सही तरह से उपचार नहीं मिला तो आम जनता का क्या हाल होगा। आज सीएमओ ऑफिस और डीएम ऑफिस पर संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने अंशुल को इंसाफ दिलाने के लिए हड़ताल पर चले गए। 26 पीएससी के 200 से ज़्यादा संविदा स्वास्थ्य कर्मी सीएमओ ऑफिस से डीएम ऑफिस तक पैदल मार्च किया और डीएम कार्यालय पर धरने पर बैठ गए। अंशुल भाई अमर रहे, अमर रहे, अंशुल भाई अमर रहे, जिंदाबाद। देश भर में कहां जिंदाबाद, जिंदाबाद। देश भर में कोरोना के सर, हमने यही मांग की है कि जो हमारे साथी है, जिस वजह से उसके साथ अत्याचार ही कहूंगी मैं, नाजायज कहूंगी मैं, जो उसके साथ हुआ है, काश के समय रहते उसका ध्यान दे दिया जाता तो वो नहीं होता। सबसे पहले तो जब वो बीमार था तो उसको छुट्टी नहीं मिली, उसने छुट्टी की डिमांड लगाई कि मैं बीमार हूँ, मुझे बुखार है, कोई छुट्टी नहीं मिली और वो बीमारी में भी काम करता रहा। बीमारी में काम करते करते जब उसकी हालत बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई तो उसको मेडिकल में एडमिट कराया गया। मेडिकल में वो एक दिन रहा और उसने वीडियो खुद वायरल किया अपना कि मेरे को ऑक्सीजन की ज़रूरत है और मैं बहुत ज़्यादा बीमार हूँ, लेकिन उसको कोई ऑक्सीजन की सुविधा नहीं दी गई। आप खुद सोचिएगा सर, जब एक मेडिकल स्टाफ के साथ इतना गलत हो रहा है तो एक आम जनता के साथ क्या हो रहा होगा। हमारा खुद का स्टाफ हमारे ही स्टाफ के सामने गिड़गिड़ा रहा है कि मेरे को ऑक्सीजन चाहिए, और वो बंदा जो रात दिन पॉजिटिव के बीच में रहकर बिना खाना खाए सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 6-7 बज जाते हैं टेस्टिंग करते करते उन लोगों को। हम लोग ए नंबर कर हैं, हमारी आशा बहनें हैं, सब रात दिन लगी पड़ी हैं। क्या सर कोई भी बंदा ऐसा होगा जो सुबह से लेकर शाम तक बिना एक भी छुट्टी लिए काम कर पाएगा? हम लोग करते हैं, लेकिन हमारी फीलिंग्स की किसी को कदर, कोई कदर नहीं है। छुट्टी के नाम पे हमें धमकी दी जाती है, आप संविदा कर्मियों निकाल दिए जाओगे क्या सब? ऊपर से हमारी मैडम बोलती है कि एसडीएम का ऑर्डर है कि कोई छुट्टी नहीं दी जाएगी, ऊपर से ऑर्डर मिलता है कि छुट्टी नहीं है, बस बिना छुट्टी के ही काम करना है। क्या सर ये पॉसिबल है? हम मरेंगे नहीं, क्या होगा हमारा? हम बीमार नहीं होंगे क्या? कौन देख रहा है? वो चला गया, कोई है उसके परिवार को थामने वाला? तो बस हमारी यही है। सर अभी तक कोई आश्वासन नहीं है। हम लोग पहले सीएमओ ऑफिस में गए थे तो सीएमओ सर हमारे खुद पॉजिटिव हैं ऐसा हमें बताया गया, तो वो हमसे मिल नहीं पाए हैं और इसलिए हम यहाँ डीएम सर के पास आए हैं कि शायद ये हमारी बात सुन पाए। इस हफ्ते में हमारी 3 स्टाफ जो हमारा ही था, हमारे बीच में ड्यूटी कर रहा था, वो तीनों शहीद हो चुके हैं, उनके साथ कुछ नहीं हुआ है, अब ये तीसरे हो गए, पता नहीं इनके साथ कुछ होगा या नहीं होगा। लाइन में हम सब लोग ही खड़े हुए हैं, एक एक करके हम सबका नंबर आ रहा है, तो हम पूछ रहे हैं कि देश को बचाएगा कौन? सर हम लोग ये चाहते हैं कि जो अभी कुछ टाइम पहले हमारे एक स्टाफ नर्स थी जो मेडिकल से थी, एक बीमा था हमारा जो 50 लाख रुपए का था और वो हमें मिलना था, जो मेडिकल स्टाफ होता है उसको मिलना था, बट उनको अभी तक नहीं मिला है और उनका परिवार आज तक धक्के खा रहा है। वो खत्म ऐसा, और अभी इनके साथ हुआ है तो परिवार है, देखो जब जान तो चली ही गई, उसे तो कोई बचा नहीं पाया, तो उनके लोगों को तो परिवार जो के मेंबर हैं उनको सुविधा मिलनी चाहिए। उनके परिवार में अगर कोई पढ़ा लिखा है तो उसके पद अनुसार उसको नौकरी भी मिलनी चाहिए। और जो हमारी सारी बहनें हैं
हम 10,000 महज 10,000 रुपए के लिए सुबह से शाम तक जो लगे पड़े, तो कम से कम परमानेंट ना सही तो समान वेतन तो हो। ये तो सवर आए कि हम इतना मेहनत कर रहे हैं तो हमें मिल तो कुछ रहा है। आप 10,000 रुपए में खुद सोचिए क्या हमारा किराया, कैसे हम लोग गुजारा करते हैं। ये सब सर कम से कम 20 लाख रुपए का मुआवजा मांग रहे हैं, कम से कम 20 लाख मुआवजा। और एक नौकरी ढंग से किसी को मिलना चाहिए, खासकर उसकी पत्नी को जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि उसके 8-8 महीने के बच्चे हैं सर, बहुत छोटे बच्चे, बहुत छोटे वजह से अपने बच्चों से नहीं मिल पाया, पूरा परिवार पूछिए जान दे दी, अपने बच्चों को देख नहीं पाया वो बंदा। हम लोगों के बीच में मेहनत करते करते आशा शबाना और मेरी PSC राजेंद्र नगर। और सर हमें ये इसके लिए कहा जा रहा है कि भाई केस ढूंढ के लाओ हमें, ये लोग 9 बजे 8:30 बजे बुला लेते हैं, हम बहुत दूर दूर से आते हैं, हमारा किराया भी लगता है, हमारे 50-100 रुपये लगते हैं। सभी बहनें, कुछ बहनें ऐसी हैं जिनके किराए लगते हैं और ये किराया भी नहीं देते, गाड़ियों में बिठा लेते PSC से और बहुत दूर दूर तक ना ग्लव देते ना मास्क देते और ना सैनिटाइजर देते और दूर दूर तक हमें पैदल छोड़ देते। सर हमारे रमज़ान चल रहे हैं, रोजे से हैं हम, रोजे में बहुत दूर तक जाते हैं, बहुत दूर तक जाते हैं और उसके बाद हमें ये PSC पे फिर बुलाएंगे कि बोलते हैं कि सिग्नेचर करो, 5 बजे तक हमें बिठाए रखते हैं। हमारे रमज़ान चल रहे हैं और रमज़ान चल रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं घर में, उनके भी रोज़ हैं। सर ये बताइए सारा दिन वहाँ का पाएंगे, 5 बजे घर पे आएंगे, सुबह ही फिर उपस्थित हो जाएंगे, तो बताइए क्या जिंदगी है हमारी। 2,000 सर 2,000 मिलते हैं बताइए, और भाई मैं बोलूँ ना 2,000 मिलते हैं सर, 50,000 का काम कराए जा रहे हैं हम लोगों से ना। ये सप्ताह चलती कोरोना के कारण उसकी मृत्यु हो गई है, उसी को लेके हमारे LP मेंबर्स और भी हमारे साथ कर्मी आए थे, इनकी जिलाधिकारी मौजे से इनकी वार्ता हो गई और इनकी जो भी समस्याएं हैं उस पर DM साहब ने तत्काल विचार करने के लिए कहा और आदेश करने के लिए कहा। और इनको चूँकि हमारे बीच के कोरोना योद्धा हैं तो इनके साथ हम लोग भी हैं और इनके साथ कुछ भी होता है उसके लिए हम लोग इनके साथ पूरा प्रशासन इनके साथ लगा हुआ है और आप लोगों से भी अनुरोध है कि इनको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी। मैंने आपसे क्या कहा जो ये जांच का विषय है, जो कि हमारे सामने नहीं, जो संज्ञान में तो कंसर्न जो भी है उसके जो भी होगा उसकी जाँच करें।